यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत की युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसे पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरी इतनी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहिया पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इस सब के बावजूद कर्ण का प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है, ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहारों से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजमान थे इसीलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया।